प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसके पिछले दो भागों में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार धीरे धीरे अमेरिका के अंदर कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे वो ब्रिटेन की खिलाफत मुखालफत करने लगे, और ये परिस्थितियां विभिन्न नियमों अधिनियम को के चलते, उनकी कठोरता के चलते बिगड़ती चली गई, और अंत में जब चाय पर कर लगाया गया तो वो अमेरिका के उपनिवेशवासियों के लिए बिल्कुल असहनीय हो गया और उन्हें दमनकारी कानूनों की संज्ञा दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कानून बनाए थे जिसमें जनसभाओं पर रोक लगाई गई थी, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया था, चाय की जो पेटियां समुद्र में गिरा दी गई थी उनका मुआवजा मांगा गया, और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक बंदरगाह नहीं खोला जाएगा, और इसके अतिरिक्त क्यूबेक एक्ट के द्वारा जो कनाडा में स्थित क्यूबेक था उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया गया था ताकि उपनिवेशवासी अपना जो विस्तार है वो वहां पर नहीं कर सके। इन सब अधिनियमों को दमनकारी माना गया और वर्जीनिया जो 13 उपनिवेशों में से एक था उसके आग्रह पर सभी उपनिवेशों की कांग्रेस बुलाई गई। कांग्रेस का अर्थ है एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर बाकी उपनिवेशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जॉर्जिया ने अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजा था इस समय? क्योंकि एकमात्र वही ऐसा उपनिवेश था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वयं बसाया गया था, यानी ये एक सरकारी उपनिवेश था। बाकी सारे व्यापारिक उपनिवेश थे लेकिन ये सरकारी उपनिवेश था। तो जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई थी उसमें जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सभी उपनिवेशों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। ये जो सम्मेलन बुलाया गया था इसका उद्देश्य स्वराज्य की मांग करना नहीं था, बल्कि ये सब लोग ये चाहते थे कि हमें हमारे आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार दे दिया जाए, यानी आंतरिक मामलों में हम जिस प्रकार से अपना प्रशासन चलाना चाहें हम स्वतंत्र हों। एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें ब्रिटेन के राजा से ये मांग की गई कि 1765 के बाद के सभी कानून रद्द कर दिए जाएं, और ये धमकी दी गई कि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त एक महाद्वीपीय संस्था का गठन किया गया जिसने व्यापार के बहिष्कार को पुनर्जीवित किया, यानी हम ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेंगे, उसके सामग्रियों को नहीं आने देंगे, और अमेरिका के गांव-गांव, यानी ये जो उपनिवेश है 13 उपनिवेश, इनके गांव-गांव में सुरक्षा समितियां बनाई गई जो ये सूचना देने के लिए थी कि कोई ब्रिटिश माल का उपयोग तो नहीं कर रहा है, इस बात की सूचना वो इस कांग्रेस तक पहुंचाने वाली थी। 12 सितंबर 1774 को यह कांग्रेस इस निश्चय के साथ समाप्त हुई कि आगे भी हम विचार विमर्श के लिए एक दूसरे से मिलते रहेंगे। इसके बाद जब ये कांग्रेस खत्म हुई थी कि जो गांव-गांव में सुरक्षा समितियां बनाई गई थी उपनिवेशवासियों द्वारा, उन्हें एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी मिली, लेसिंगटन नामक का गांव था, वहां पर उन ब्रिटिश सैनिकों के साथ सुरक्षा टुकड़ियों की झड़प हुई। ये पहली सशस्त्र झड़प थी जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कह सकते हैं, युद्ध का आरंभ कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेसिंगटन, फिर कॉनकॉर्ड, इन सब जगह छोटी छोटी झड़पें हुई, और ये झड़पें खत्म ही हुई थी, इनकी गूंज अभी तक थी वातावरण में, तभी 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई। इस बार इस कांग्रेस में 13 के 13 सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अब इसमें जॉर्जिया भी सम्मिलित हुआ, और इसकी अध्यक्षता की बोस्टन के एक धनी व्यापारी थे जॉन हैनकॉक,
उन्होंने छोटी छोटी झड़पें चल रही थीं, लेकिन जो शहर थे वहां पर इन सुरक्षा टुकड़ियों का या उपनिवेशवासियों की जो सेनाएं थी उनका अधिक प्रभाव नहीं था। उन्होंने बोस्टन को जीता, उन्होंने न्यूयॉर्क को जीता, लेकिन बहुत जल्दी ब्रिटिश सेना ने वापस इन शहरों को हस्तगत कर लिया और जो सैनिक थे उन्हें भागकर गांव में जाना पड़ा। गांव में जाकर इन्होंने पुनः अपनी शक्ति को एकत्रित किया, फिर ये आकर इन्होंने युद्ध किया, फिर इन्हें हराकर वापस भेज दिया गया। तो शहरों पर इस सुरक्षा टुकड़ियों का ज्यादा कंट्रोल नहीं था। ऐसे में इस महाद्वीपीय कांग्रेस में एक सेना का गठन किया गया जिसका नेतृत्व सौंपा गया, जिसका सेनापति बनाया गया जॉर्ज वॉशिंगटन को। लेकिन इस कांग्रेस में अभी भी कुछ धनी अमीर व्यापारी थे जिन्हें ब्रिटिश व्यापार से बहुत लाभ होता था, जो राजा के स्वामी भक्त थे। वो अभी भी ये कह रहे थे कि भाई हमें राजा से बात करनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार जो है वो सही कर रही है, इस तरीके से उनका समर्थन कर रहे थे। 1775-76 में ही थॉमस पेन की एक पुस्तिका कॉमन सेंस ये प्रकाशित हुई। जब आरंभ में ये प्रकाशित हुई तो ये गुमनाम थी, यानी इस पे राइटर का नाम नहीं था, लेकिन जब इसके अगले संस्करण छपे तो उसमें राइटर का नाम भी दिया गया। बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड बुक थी, यानी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये पुस्तिका ना पहुंची हो। क्या था इस पुस्तिका में? इसमें साधारण भाषा में अमेरिकन उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात को पूरे तर्कों और कारणों के साथ कहा गया था। ये बताया गया था कि अमेरिकन उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। इसी सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया कि जो गुलामी का जीवन है उसे जीने की अपेक्षा स्वतंत्रता हेतु मरना अच्छा है। धीरे धीरे जब कॉमन सेंस पुस्तिका का असर बढ़ने लगा तो 1776 में सभी 13 उपनिवेशों के देशभक्तों द्वारा अपनी सरकारें भंग कर दी गईं, यानी जितनी विधानसभाएं थी सब भंग कर दी गईं, न्यायालयों को बंद कर दिया गया, जो ब्रिटिश अफसर अमेरिकन उपनिवेश में काम कर रहे थे उन्हें वहां से भगा दिया गया और घोषणा की गई कि हम स्टेट्स हैं, कॉलोनीज नहीं, यानी उपनिवेश नहीं है, हम स्टेट्स हैं। उधर जो जॉर्ज तृतीय थे उनके पास वो जो घोषणा पत्र पहुंचा था जिसमें कहा गया था कि 1765 के बाद के कानूनों को रद्द कर दिया जाए, तो जॉर्ज तृतीय ने उसके विरोध में ये कहा कि आप सब जो है वो देशद्रोही हैं, जो राजा की सत्ता को छीनना चाहते हैं और ट्रेटर्स उनको करार दिया। और साथ ही उसने ये सोचा कि अब बिना युद्ध के इन उपनिवेशों को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए जर्मन सैनिकों की भर्ती आरंभ कर दी। 4 जुलाई 1776 को इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। थॉमस जेफरसन, जो एक अमेरिकी विचारक हैं, इस घोषणा पत्र में उनकी बहुत अधिक भूमिका रही। इसकी जो भाषा थी जो तैयार करने में उनकी मुख्य भूमिका थी। इस घोषणा पत्र की जो फेमस लाइंस हैं, जो कहा गया वो ये था कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता, इनमें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख के लिए प्रयत्न सम्मिलित हैं। ये जो विचार था, जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख के लिए प्रयत्न, ये विचार जॉन लॉक के विचारों से लिया गया था, जो प्रबोधन युग के एक विचारक थे। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पर सुख के लिए प्रयत्न, इस बात को जोड़ लिया गया था। युद्ध आरंभ हो गए, क्योंकि आप, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस थी इसने महाद्वीपीय सेना का गठन कर लिया था, अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था और ब्रिटेन भी पूरी तरह से तैयार था युद्धों के लिए।
जब युद्ध आरंभ हुए तो प्रारंभ में अमेरिकी सेना की जगह जगह हार हुई। उसका कारण ये था कि जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके सैनिकों के पास जो मूल अस्त्र शस्त्र और साज सामान होते हैं वो भी नहीं थे। कई बार तो वर्दियां नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे। ऐसे सैनिकों के साथ जब युद्ध लड़ रहे थे तो हार होना स्वाभाविक था, और इस हारी हुई लड़ाइयों में बंकर हिल की लड़ाई जो है काफी फेमस है। लेकिन धीरे धीरे पासा पलटा। अक्टूबर 1777 में साराटोगा के युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई, और इस हार ने युद्ध में थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा परिवर्तन लाया। वो परिवर्तन क्या था कि फ्रांस जो है वो अभी तक, जब ये 1775 में लैक्सिंगटन की लड़ाई से शुरू हुई है, तब से ही फ्रांस जो है उस लड़ाई को देख रहा था तटस्थ भाव से, और देख रहा था कि पलड़ा किस तरफ जाता है, क्योंकि वो खुद ब्रिटेन का विरोध करने के लिए तैयार बैठा था। सप्तवर्षीय युद्ध में हार चुका था, उस हार का उसे बदला लेना था, लेकिन अभी तक वो साथ में नहीं आया था। लेकिन जब उसने देखा कि साराटोगा के युद्ध में अमेरिकन सैनिक जो है वो जीत गए, तो इसके बाद फ्रांस और अमेरिकी जो बस्तियां थी उनके मध्य बेंजामिन फ्रैंकलिन की मध्यस्थता से 6 फरवरी 1778 को एक समझौता हुआ। और ये समझौता क्या था कि फ्रांस जो है वो अमेरिकन बस्तियों की मदद करेगा। कब तक मदद करेगा? जब तक कि ये बस्तियां पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाती, और ब्रिटेन से जो संधि करनी होगी वो सब एक साथ मिलकर करेंगे। इस समझौते के बाद फ्रांस ने अपने संपूर्ण बल से अपनी सेना, अपनी शिप्स, अपने अस्त्र शस्त्र सबको लेकर युद्ध में प्रवेश किया। इसके बाद अगले ही साल स्पेन और 1780 में नीदरलैंड, हॉलैंड जो है वो भी मदद देने के लिए आ गए। लेकिन इनकी मदद थोड़ी कम थी, लेकिन फ्रांस जो है उसने तो अपने संपूर्ण बल से ही इस युद्ध में प्रवेश किया था। रूस, डेनमार्क और स्वीडन, ये जो देश थे वो तटस्थ रहे, इन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इसके बाद 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन, एक जगह का नाम है जहां कॉर्नवॉलिस, जो बाद में भारत के भी गवर्नर रहे थे, कॉर्नवॉलिस द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। और जब ये न्यूज लॉर्ड नॉर्थ को दी गई, जो इस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, हम तो अब कुछ भी नहीं बचा। और इस तरीके से अमेरिका की विजय हो गई 19 अक्टूबर 1781 को, जब यॉर्क टाउन में कॉर्नवॉलिस के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। 3 सितंबर 1783 को दोनों पक्षों के बीच पेरिस की संधि हुई, जिसके अनुसार अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, और उसकी जो सीमाएं थीं वो ओयो नदी तक तय कर दी गई। इसके अतिरिक्त फ्रांस को वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और भारत के कुछ प्रदेश प्राप्त हो गए। फिर एक नवीन संविधान बनाया गया, जो 4 पृष्ठों का निर्मित संविधान था। उस पर 17 सितंबर 1787 को जो सदस्य मौजूद थे, 55 सदस्य, उन्होंने हस्ताक्षर किए, और 21 जून 1788 को वो लागू कर दिया गया। इस संविधान के अनुसार मार्च 1789 को नवीन सरकार का गठन किया गया, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन निर्वाचित हो गए। ये जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मायनों में बहुत सारे विचार ऐसे थे, बहुत सारी नीतियां ऐसी थीं जो पहली बार विश्व में क्रियान्वित हुई, इम्प्लीमेंट हुई, जैसे राष्ट्रवाद की विजय हुई। अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे, लेकिन चूंकि वो अपने देश के प्रति समर्पित थे, उनमें राष्ट्रवाद था, तो उस कारण उनकी विजय हुई ब्रिटेन के समक्ष। कौन से ब्रिटेन के समक्ष? जिसका साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था। ऐसे साम्राज्य को भी राष्ट्रवाद की शक्ति के द्वारा हरा दिया गया था।
दूसरी जो विशेष चीज जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि ये किसी नेता विशेष के पीछे चलकर जीता हुआ युद्ध नहीं था, फिर जन समर्थन पर आधारित सरकार का निर्माण हुआ। किसी नेता के पीछे चल के और फिर उस नेता को बना लिया हो, अपना राजा या लीडर बना लिया हो और सरकार बना ली हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जनता ने समर्थन दिया कि इस नेता को चुनकर हमें अपना लीडर बनाना है और इस तरीके से सरकार का निर्माण किया गया। पहली बार ऐसा हुआ विश्व में कि अब राजा नहीं जनता की सरकार बनी। जनता मतलब जो फर्स्ट सिटीजन था यानी राष्ट्रपति, उसे भी जनता ने निर्वाचित किया। अभी तक जो प्रथम नागरिक होता था वो यूरोप के अंदर राजा ही होता आया था, लेकिन पहली बार गणतंत्र की सरकार बनती है। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बना जो साम्राज्यवाद का विरोधी था, क्योंकि वो खुद साम्राज्यवाद की विभीषिका को देख चुका था। इसीलिए अमेरिका के स्वतंत्र होते ही हम देखते हैं आगे जब जब अमेरिका का मौका लगा, जब जब उसे अवसर मिला, उसने जो भी उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक और महत्वपूर्ण बात इस संग्राम में दिखाई देती है कि किसी एक उद्देश्य के लिए किस प्रकार यूनाइट हुआ जाता है, इसकी प्रेरणा हमें इस संग्राम से मिलती है। कैसे हमें यूनाइट होना है, हम भारत में भी देखते हैं बाद में कि असहयोग आंदोलन उस उद्देश्य से सारी जनता यूनाइट हो रही है, लेकिन पहली बार ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण के बाद जो प्रबोधन युग था, यानी जिसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर, बहुत तरीके के विचार आ रहे थे, उनके आदर्शों को यथार्थ रूप में यही हमें दिखाई देते हैं। चाहे जॉन लॉक के विचार हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू के विचार हो, वो सब पहली बार यथार्थ रूप में क्रियान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और हमें दिखाई देती है, जनता के बीच समानता का सिद्धांत। अब किसी का भी आदर इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो जन्म से लॉर्ड के परिवार में है या नोबिलिटी में पैदा हुआ है या राजवंश में पैदा हुआ है तो उसका आदर करना है, नहीं, अब सिर्फ योग्यता का आदर होगा। जन्म के आधार पर कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने या यूं कहें हम इस क्रांति ने यूरोप की कई अन्य क्रांतियों को प्रेरणा दी, जिसमें फ्रांस की क्रांति सर्वप्रमुख है। हम अपने अगले टॉपिक के रूप में इसी विषय को आगे पढ़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो भारत से भी संबंधित है कि ब्रिटेन की चूंकि यहाँ पे हार हुई, इसलिए अब ब्रिटेन ने उपनिवेशों के प्रति जो उसकी नीतियां थी उनको बदलना शुरू किया। और भारत में भी हम देखते हैं एक के बाद एक वो ऐसे कानून लेकर आते हैं जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर शोषण न कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका की विजय किस प्रकार हुई और इंग्लैंड की पराजय क्यों हुई। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड इस समय एक ऐसा राष्ट्र था जिसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता ही नहीं था। मानचित्र के पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह उसका साम्राज्य था। उसकी नौसेना सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। दूसरी तरफ उसके सामने अमेरिका के उपनिवेश थे जिनके सेनापति और सैनिकों के पास ठीक अस्त्र शस्त्र, ठीक से उनकी यूनिफॉर्म्स, उनके जूते, वो भी प्रॉपर नहीं थे। लेकिन ऐसे में इतने बड़े साम्राज्य की तो हार हो गई और एक छोटा सा उपनिवेश जो है वो जीत गया। तो क्या कारण रहे उनका अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहली बात इसमें आती है कि दोनों देशों के मध्य की जो भौगोलिक दूरी थी उसके कारण ये परिणाम निकला। इंग्लैंड से यदि सेना या सैनिक टुकड़ियों को आवश्यकता के लिए भेजा भी जाए उपनिवेशों की तो वो कम से कम 3-4 महीने में पहुंचती थी। तो ये जो भौगोलिक दूरी थी उस कारण ब्रिटेन अपने सैनिकों की जो सप्लाई है या हथियारों की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं कर पाया। और ये भौगोलिक दूरी ही
उसके कहार का कारण बन गई। दूसरी चीज की ब्रिटेन ने ये गलत अनुमान लगाया कि उपनिवेशों की शक्ति तो कुछ भी नहीं, इसीलिए उसने बिना ठीक से सेना को वहां पर भेजे या सैनिकों को वहां पर भेजे और उसने युद्ध जो आरंभ हुआ उसमें गलतफहमी में, क्योंकि अपना बड़ा और श्रेष्ठ होने का जो उसका अहंकार था उसके चलते उसने उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। तीसरी बात ये थी कि इंग्लैंड का जो एक वर्ग था उसकी सहानुभूति उपनिवेशवासियों के साथ थी, क्योंकि जो अमेरिका को बसाने वाले लोग थे यानी जो इस समय वहां उपनिवेशवासी थे उनकी कुछ पीढ़ियां, उनकी जो पीढ़ियां थी वो इंग्लैंड से ही गई हुई थी। तो एक वर्ग ये सोचता था कि अरे ये हमारे ही तो जाति भाई है, इनसे क्या लड़ना। तो ये जो सहानुभूतिपूर्ण जो पक्ष है इसके कारण भी इंग्लैंड की पराजय हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जॉर्ज तृतीय जो इंग्लैंड के राजा थे उनकी अदूरदर्शिता। हम इस बात के बारे में पहले भी जिक्र कर आए हैं कि जब जॉर्ज तृतीय राजा बने उस समय ये समस्या शुरू हो गई थी। वो 1760 में बने और हम देखते हैं कि उसी के आसपास ये समस्या भी शुरू होती है। जॉर्ज तृतीय उस समय बहुत ही युवा थे, अनुभवहीन थे और वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनकी जरा सी सहानुभूति से, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। क्योंकि फिलाडेल्फिया कांग्रेस तक, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस तक हम देख रहे हैं कि एक वर्ग ये मान रहा था कि जो राजा है उसके पास यदि हम ये अपनी प्रार्थना पत्र भेजेंगे कि आप सिर्फ 1765 के बाद के जो कानून है उनको हटा दीजिए, उनकी शक्ति को कम कर दीजिए, तो राजा मान जाएंगे। लेकिन जॉर्ज तृतीय ने बजाय बात को संभालने के उन्होंने क्या आंसर दिया कि आप सब देशद्रोही हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, आप सब हमसे सत्ता छीनना चाहते हैं। इसके बाद वॉशिंगटन के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया, जिस तरीके की उन्होंने पद्धति अपनाई छुप छुप कर युद्ध करने की, वार करने की, वापस भाग जाने की वार करके, तो ये जो उनका कुशल नेतृत्व था इसी कारण उनकी सीमित संसाधनों में भी उन्होंने विजय प्राप्त की। क्योंकि फ्रांस की मदद तो उन्हें साराटोगा के युद्ध के बाद प्राप्त हुई है, लेकिन वो तो साराटोगा के जो युद्ध था उसी के अंदर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो ये उनका कुशल नेतृत्व ही था जिसके कारण वो ऐसा कर पाए। इसके बाद आती है बात दोनों सेनाओं के जीवट में अंतर होना और उनका जो लड़ने का उद्देश्य था वो दोनों अलग थे। अमेरिकन उपनिवेशवासी क्यों लड़ रहे थे? वो स्वतंत्रता चाहते थे, स्वतंत्रता के लिए उन्हें मरना भी मंजूर था। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सेना थी उसमें बहुत सारे सैनिक भाड़े के थे। मैंने अभी हमने पढ़ा कि जर्मनी के सैनिकों को भर्ती किया गया सेना में, तो वो भर्ती क्यों हुए? अपनी तनख्वाह के लिए। उन्हें सिर्फ तनख्वाह से मतलब था, जीते या हारे इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जब दोनों पक्षों के लोग लड़ते थे तो उन सैनिकों का जो जीवट होता था कि किस तरीके से लड़ा जाए, किस जज्बे के साथ लड़ा जाए, उसमें अमेरिकन उपनिवेशों का जो जीवट है वो मरने मारने तक का होता था, जबकि वो सिर्फ औपचारिकता निभा रहे होते थे। ये कारण भी था कि अमेरिका ने विजय प्राप्त की और इंग्लैंड को पराजय मिली। इसके बाद उपनिवेशवासियों द्वारा जो छापामार प्रणाली अपनाई गई उसके कारण भी इंग्लैंड जो है वो पराजित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के जो सैनिक थे उनको अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी पता नहीं थी। लेकिन जो अमेरिकन लड़ रहे थे वो तो वहीं के रहने वाले थे, वो जानते थे कि कब हम युद्ध करके और कहाँ भाग सकते हैं और कहाँ छिप सकते हैं। तो इस भौगोलिक जो पहचान नहीं थी इंग्लैंड के सैनिकों को और अमेरिकन्स ने जो छापामार प्रणाली अपनाई इसके कारण भी अमेरिका जो है उसे विजय हासिल हुई। और सबसे अंतिम बात है फ्रांस द्वारा मदद करना। फ्रांस जो है उसकी सहायता मिलने के बाद फिर अमेरिका की जीत निश्चित हो गई थी, क्योंकि फ्रांस ने अपने पूरे बल के साथ उनकी मदद की थी। अब हम चलते चलते जरा सा जो अमेरिका, स्वतंत्र अमेरिका का जो संविधान बना था उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। उसकी जो मुख्य बातें थी कि एक तो विश्व का पहला लिखित संविधान था, इसमें स्वतंत्रता का आदर्श रखा गया था और कानून का शासन रखा गया, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स
के रूप में स्वीकृत किया गया, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है वैसे वहां पर बिल ऑफ राइट्स के रूप में स्वीकार किए गए थे। शक्ति पृथककरण का पालन किया गया था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए, तीनों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। ये पहली बार अमेरिका के संविधान में ही हमें दिखाई देता है। इसके बाद नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, आपस में ये तीनों जो शक्तियां हैं इनका एक दूसरे पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी होना चाहिए, जैसे महाभियोग लगा दिया, इस तरीके की जो चीजें हैं, और इनमें संतुलन भी बना रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त संघात्मक सरकार की पहली बार स्थापना होती है, 13 उपनिवेशों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए खुद अपनी इच्छा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संघ की स्थापना की। इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता है, अपने स्टेट की नागरिकता तो है ही, लेकिन संघ की, यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता भी वहां पर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो अधिकारों की बात की गई वो वास्तव में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। केवल जो संपत्ति रखने वाले लोग थे उन्हीं को ये अधिकार मिले, जिनके पास कुछ निश्चित मात्रा में प्रॉपर्टी थी, वोटिंग राइट केवल उन्हीं के पास था, दासों को नहीं मिला, स्त्रियों को ये अधिकार नहीं दिया गया। बल्कि हम ये कहें कि गोरे अंग्रेजों से लेकर गोरे अमेरिकियों को अधिकार दे दिए गए, और यही कारण था कि समाज में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, समाज का एक बड़ा तबका अधिकार विहीन ही रह गया। तो विचार तो बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन उनका क्रियान्वयन थोड़ा कमजोर हुआ। लेकिन फिर भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहला ऐसा राष्ट्र है जहां गणतंत्रवादी सरकार मिलती है, ब्रिटिश साम्राज्य को हराने वाला था, लिखित संविधान का देने वाला था, और साम्राज्यवाद का विरोधी राष्ट्र था, जिसका लाभ बाद में विश्व के बहुत सारे देशों को मिला, और इसकी क्रांति के जो सिद्धांत हैं उनसे संपूर्ण विश्व में आगे प्रेरणा मिली क्रांतियों के लिए।